आज की इस पुरअमन एहतजाजी और मजम्मती मोर्चे की क्यादत खातून मेयर मोहतरमा तायरा शेख रशीद साहबा और शहर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सदर आली जनाब आसिफ शेख रशीद साहब कर रहे हैं। मुजाहिद से दिया दीन हक की आबरू, हूँ तुम्हारी रहनुमा अब तुम में हमारा सुनो, बार बार जख्म खा कर भी रहे पुर अज़्म जो, काफिरों को मौत के कितने पिलाए हैं सबो, बेटियाँ बेटियाँ तुम मुजाहिद बेटियाँ, मुजाहिद इसके लिए हम तमाम
आज हमने तमाम कॉलेजों की लड़कियां, हमारे मुस्लिम समाज के तमाम स्टूडेंट्स यहां पर मौजूद है, और अगर आगे भी इस बात के हम लोगों को हमारे हिजाब पर पाबंदी लाने की और हम पर कुछ ज्यादा तकलीफें अगर आई तो हम इससे बड़ा धरना आंदोलन भी करेंगे, और हम इस बात को कतई मंजूर नहीं करेंगे कि हमारा हक हमसे छीना जाए। हम हिजाब में रहते आए हैं, हिजाब हमारे इस्लाम में जायज है, हमारे इस्लाम का जो सेवा है, हमारे इस्लाम की जो बात है वो हिजाब से शुरू होती है और हिजाब पर ही खत्म होती है। मरने के बाद तो हमारे गैर महरामों को हम हमारे घर की माँ बहनों के चेहरे नहीं दिखाते हैं तो हम जीते जी क्या चेहरा दिखाएंगे। हम हिजाब कबूल करते हैं, हम हिजाब में रहेंगे। ड्रेस कोड के नाम पर जो बीजेपी सरकार जो हमारे साथ जो रवैया अख्तियार कर रही है, जो अलग रूम में बैठाने की बात की जा रही है, इसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं, और हमारी तमाम स्टूडेंट सर्कल एक बार जोर से नारा लगाए कि हम हिजाब पर पाबंदी, ड्रेस कोड के नाम पर पाबंदी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बैनर तले आज जो हमारे ये कर्नाटक में जो हमारे हिजाब पर जो पाबंदी लाने की कोशिश की गई है, जो ड्रेस कोड के नाम पर जो हमारे कर्नाटक में हमारे मुस्लिम बहनों को जो कॉलेज में जाती है उनको जो सताया जा रहा है, ड्रेस कोड के नाम पर उनको जो अलग बिठाने की बात की जा रही है, इसकी हमने आज पुरजोर मजम्मत की है, और ये एहतजाज हमने आज दर्ज कराया है कि ये बार बार संविधान लिखने वालों ने इसमें, अगर संविधान ही लिखने वाले बाबा साहेब अम्बेडकर ने अगर ये बात पहले कही होती कि उसमें कहीं लिखा है कि जो मुस्लिम समाज की जो माँ बहनें हैं वो बिना नकाब के बिना हिजाब के रहें, अगर ये उस वक्त का किया गया होता तो हम लोग एक मर्तबा सोचते भी, लेकिन संविधान लिखने वालों ने कायदे में कानून में कहीं कुछ लिखा नहीं है। ये बार बार हमारे ऊपर मुसलमानों के ऊपर जो बार बार नए नए जो लाकर हम पर जो लादे जा रहे हैं, बार बार कभी NRC लेकर आते हैं, CAA लेकर आते हैं, अब आ गई हमारे ऊपर ये कानून लेकर आते हैं जो काले कानून के हमारे जो माँ बहनें हैं मुस्लिम समाज की जो हमारी तलबा हैं उन लोगों को बोलते हैं कि आप लोग हिजाब के बिना कॉलेजों में आओ, तो इस बात को हम कतई मंजूर नहीं करेंगे, इस बात की हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। ये हम क्योंकि हिजाब जो है वो हम इस्लाम की बेटियों का बुनियादी हक है, और वो हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हम कहीं बिना हिजाब के कहीं पर हम जाएं। आपके मुतालबात क्या है मेरे? हमारे मुतालबात है कि हमारे जो मुस्लिम समाज में जो हमारे कानून है, जो हमारे शरई कानून है, उस कानून के अंदर रहकर हमारे लोगों को तालीम हासिल करने का पूरा पूरा हक है, और वो हक हमको मिलना चाहिए।